सो टुडे विल स्टडी अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन सो लेटस वी विल स्टडी अबाउट इंदस वैली सिविलाइजेशन जिसको अपन uh, सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं इंदस वैली सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया ये भारत का सबसे जो है वो पुराना सिविलाइजेशन है इंडिया का और ये हमारा एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है तो लेटस स्टार्ट रूट्स ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन इन इंडस वैली वॉज डिस्कवर्ड इन 1856 फिफ्टी सिक्स बाई अ रेल रोड क्रू तो सबसे पहले हम लोग को इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में एटीन फिफ्टी सिक्स अठारह सौ छप्पन को एक रोल रोड क्रू से पता चला था और इसके दो मेजर हमारे सिटीज़ थे द फर्स्ट सिटी वॉज़ हड़प्पा एंड द सेकेंड सिटी वॉज़ मोहन जोदाड़ो तो ये दोनों ही जो सिटीज़ थे वो इंदस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसके दो प्रमुख शहर थे जिससे पूरा इंदस वैली सिविलाइजेशन जो है वो चलता था देखिए मोहन जुदाड़ो और हिल ऑफ डेड तो मोहन जुदाड़ो को हिल ऑफ डेड भी बोलते थे बोथ सिटीज शेयर्ड अर्बन डिजाइन एंड आर्किटेक्चरल फ़ीचर ये जो दोनों शहर थे वो दोनों के पास बहुत अच्छे आर्किटेक्चरल फीचर थे और अच्छे अच्छे सिटी प्लानिंग थी इसीलिए ये टॉपिक जो है इट वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू पी एस सी एंड पी एस सी क्योंकि ये दोनों ही टॉप क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे डेफिनेटली अगर आप कभी भी अगर आप यू पी एस सी का अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा या पी एस सी या क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हमेशा ही वहाँ पर पूछे जाते हैं तो लेटर्स स्टडी इट इन मोर डिटेल ये हमारा मैप है तो अगर आपके एग्ज़ाम में अगर इंदस वैली सिविलाइजेशन से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एक्सप्लेन इट बाय मैप आपको उसको मैप के थ्रू समझाना पड़ेगा और आप देखो ये पूरा जो है वो मैप हम लोगों ने दिया हुआ है हड़प्पा मोहन जोदाड़ो और ये पूरा जो एरिया है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आता है नेक्स्ट रूट्स हमको कहाँ मिलता है रूट्स ऑफ इंदस वैली बिगेन एज एन अर्ली एज सेवन थाउजेंड बी सी तो सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हम लोग को सेवन थाउजेंड बी सी मतलब सात हजार बी सी में पता चलता है और अगर आप ये देखेंगे कि आज का जो इंडिया है टुडेज इंडिया ठीक है इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन इंदर्स वाली सिविलाइजेशन वो पूरे तरीके से इस हिंदू घाटी की सभ्यता पर निर्भर करता है क्योंकि जो भी आज हमारे पास मॉडर्न आर्किटेक्चर है हमारे जो ट्रेडिशंस है वो सारे इंदर्स वाली सिविलाइजेशन से मिलता है और इसीलिए ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक हमेशा के लिए होता है नेक्स्ट

क्राफ्ट ऑफ द इंडस वैली इंक्लूडेड पॉटरी मेकिंग डाई मेटल वर्किंग इन ब्रोंस एंड बीड मेकिंग तो जो तो सबसे फेमस तीन आर्किटेक्चरल स्किल्स थे वो थे पॉटरी मेकिंग डाई मेटल वर्किंग और आपका बीड मेकिंग बीड मतलब छोटे छोटे जो आपके मोतिया होती हैं बीड मटेरियल इंक्लूडेड जेड फ्राम हिमालय लैपिसजोरी फ्राम अफगानिस्तान टर्क्यूजाइज फ्राम परसिया इमिथिस्ट फ्राम मेवाड़ एंस्टीटाइट विच वॉज लोकली फाउंड तो ये सारे जो है वो आपके ऑर्नामेंट्स हैं जो कि बीट्स बनाने में यूजफुल होते हैं नेक्स्ट द आर्टी क्राफ्ट और एक और आर्टी क्राफ्ट दिया हुआ जैसे आपके डांसिंग गर्ल हो गए स्टोर हो गए टेरा कोटा हो गए तो ये सारे जो है वो आपके आपको जितने भी सारे टेक्नोलॉजी है वो याद कर लेना है बिकॉज अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में यू हैव टू राइट अबाउट द आर्ट क्राफ्ट ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा एक सबसे जो इम्पोर्टेंट एम सी क्यू है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम सी क्यू वो ये आता है कि डांसिंग गर्ल का जो हमारा को इमेज मिलता है जो ब्रॉन्ज इमेज मिलता है वो कहाँ से मिलता है तो वो हम लोगों को हड़प्पा सिटी से मिलता है तो आपको ये सारी चीज़ें याद कर लेनी दैसोमेनिक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है डाइस एंड स्मॉल स्कल्पचर्स ऑफ बुलॉक वर प्रोबेबली यूज्ड दस टॉयज एंड गेम्स तो आप देख सकते हो कि टू डेज एवरी थिंग मतलब जब भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन है दैट वर्कस ऑन द व्हील फ़िलासफी एंड दिस व्हील फ़िलासफी इज गिवन बाई इंदस वैली सिविलाइजेशन तो ये जो व्हील है जो आपका चक्का है जिसकी वजह से पूरा आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलता है तो ये भी जो है वो इंदस वैली सिविलाइजेशन की हमको देन, देन है इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि इंदस वैली सिविलाइजेशन इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ टू डेवलपमेंट तो आज का जितना भी हमारा डेवलपमेंट होता है वो सब कहीं ना कहीं इंडस वैली से रिफ्लेक्ट करता है और कॉटन जो हमारा यूज़ था द फर्स्ट नोन यूज़ ऑफ़ कॉटन एज फाइबर वाज इन इंडस वैली तो आज हम जितना भी कॉटन यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमको उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही हमें मिला था नेक्स्ट इज़ केयरफुली प्लान्ड सिटीज़ तो मैंने पहले ही बोला था कि देर आर टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट इज़ आपके आर्ट एंड क्राफ्ट और दूसरा आपका केयरफुली प्लान्ड सिटीज़ क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि एक्सप्लेन अबाउट द प्लानिंग और टाउन प्लानिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन या हिंदी में बोलू को आपको जो नगरीय सभ्यता है इंदस वैली सिविलाइजेशन की सिंधु घाटी की सभ्यता की वो आपको एक्सप्लेन करना होता है ये क्वेश्चन पांच से सात नंबर में एग्जामिनेशन में आता है तो देखो क्या लिखा हुआ है बोथ हड़प्पा एंड मोहन टू ऑफ द लार्जेस्ट अमाउंट फाइव हंड्रेड वर् थ्री माइल्स इन सर्कम फेरेंस विथ अराउंड फोर्टी थाउजेंड पीपल तो इन दोनों शहरों में लगभग चालीस हज़ार लोग रहते थे और इन दोनों सिटीज़ की सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ के जो आर्किटेक्चरल है जो टाउन प्लानिंग है वो बहुत ही अच्छी है पूरे जितने भी हमारे घर हैं पूरे जो स्क्वायर ब्लॉक्स में बने हुए ड्रेनेज सिस्टम जो आपके नालियों की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है नेक्स्ट ये आप ये आप फोटो देख सकते हो कि किस तरह स्क्वायर ब्लॉक्स बनाए गए हैं कैसे फोर्टिफाइड वॉल्स हैं जितने भी हमारे वॉल्स रहते हैं उस पर कोई ना कोई डिज़ाइन्स और कार्विंग्स बनी होती है ऑन द समिट वॉज द ह्यू कॉम्यूनल बाथ और साथ ही साथ वहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉम्यूनल बाथ था जिसमें अगर कोई भी अपन का रिलीजियस फंक्शन होता था तो वहाँ पे होली बाथ के लिए वो एक काम आता था या आप सारे डिज़ाइन्स देख लो जितने भी स्टेयर्स हैं वो सारे किस तरीके से वेल प्लान थे ये कभी नहीं लगेंगे कि ये आप सेवन थाउजेंड बी सी के हैं ये आपको लगेगा कि अभी का कुछ मॉडर्न एरा का कुछ बनाया हुआ चीज़ है बट दिस ऑल थिंग्स वर मेड इन सेवन थाउजेंड बी सी नेक्स्ट मोहन जोदाड़ो एंड हड़प्पा ये जो फिगर है दिस कि कितनी अच्छी डेवलपमेंट थे घर well, तो होते थे उन सब के अपने अपने वेल्स होते थे अपने कुएं होते थे बेथिंग स्पेस होता था एंड वॉशरूम्स की अवेलेबिलिटी थी आज के टाइम में भी अगर आप विलेजेस में जाओगे तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती थी बट एट दैट टाइम इन इंडस वैली सिविलाइजेशन ये सारी जो है वो फैसिलिटी

नो मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर क्लियरली रिमार्क मार्क्स द प्रेजेंस ऑफ अ पैलेस और टेम्पल सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ मोहन जोदाड़ो और हड़प्पा में कोई भी पैलेस मतलब कोई भी राजा वाली व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर लोकतंत्र था मतलब मोहन जोदाड़ो और हरप्पा सिविलाइजेशन है जिसको अपन इंदस वाली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं वहाँ पर डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ रूलिंग थी ना कि आपकी प्रिंस वाली जो आपकी रॉयल जो लिविंग स्टाइल थी वो नहीं थी तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें इंदर सैली सिविलाइजेशन से सीखने को मिलती है कि सेवन थाउजेंड बी में भी वहाँ पर जो है वो डेमोक्रेसी का रूल था इंदस वैली बोरियल साइट्स मतलब जब भी किसी की डेथ होती है तो आज भी अगर हिंदू अगर आप रिलीजन को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ का ओरिएंटेशन होता था और ये सारी चीज़ें जो है वो को इंदस वैली सिविलाइजेशन से ही मिली हुई हैं सम ग्रेव गॉड सच एस पॉन्ड्स ऑफ फूड एंड वाटर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ज्वेलरी सिम्पल मिररल्स एंड सम कॉस्मोटिक्स तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो डेथ प्लेस पर रखी जाती थी ताकि उस जो पर्टिकुलर आदमी है उसको जो है वो इस लाइफ से फ्री हम मिल जाए जो आज भी हिंदू रिलीजन में फॉलो किया जाता है ये सारी चीज़ें हैं आप देख सकते हो सारे फिगर्स हैं एंड अमोंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्वेंटी थाउजेंड आर्ट क्राफ्ट जो हैं वो हम लोगों को इन द स्टैली सिविलाइजेशन से मिले हैं अगर आप जितने भी अलग सिविलाइजेशन को पढ़ो आइदर इट इज़ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्टियन सिविलाइजेशन सो द मोस्ट यू नो रिच हेरिटेज इज़ द इन द स्टैली सिविलाइजेशन सबसे जो अच्छी सिविलाइजेशन है वो दिस सिविलाइजेशन है इन द इन द कंटेक्सट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट तो हम लोग को ये बहुत सारी जो है वो चीज़ें मिलती हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं तो मुझे आई हैव कवर्ड लॉट ऑफ टॉपिक्स तो मैंने आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए